अर्थव्यवस्था पर कोरोना संकट की मार इस कदर पड़ी है कि हजारों कंपनियां बंद हो चुकी हैं, जबकि सैकड़ों ने दिवालिया के लिए आवेदन दिया है। लंबे समय से जारी लॉकडाउन और फैक्ट्री में काम बंद होने की वजह से कई बड़ी कंपनियों ने अपने प्लांट बंद करने का भी ऐलान किया है। ऐसे में यूरोपीय देशों की सरकारों ने अपनी कंपनियों को बचाने की कवायद शुरू कर दी है। कोरोना महामारी के कारण मुश्किलों से जूझ रही फ्रांस की कार इंडस्ट्री के लिए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अरबों यूरो की मदद की घोषणा की है। उत्तरी फ्रांस के वोलेओ कार पार्ट फैक्ट्री का दौरा करने के बाद मैक्रों ने कार इंडस्ट्री के लिए 8 अरब यूरो की मदद का ऐलान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि वो चाहते हैं कि अगले 5 सालों में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों के उत्पादन के क्षेत्र में फ्रांस यूरोप में सबसे आगे रहे। Le secteur a connu une baisse d'activité en moyenne de plus de 80%. C'est sans précédent, hors temps de guerre. पैकेज के ऐलान के साथ साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस बात पर भी जोर दिया कि विदेश से उत्पादन खत्म कर कार निर्माता कंपनी फ्रांस में ही ज्यादा उत्पादन करने की कोशिश करे। दरअसल कोरोना संकट की वजह से फ्रांस की कई कार कंपनियों ने अपने प्लांट बंद करने का ऐलान किया था, जिसके बाद राष्ट्रपति मैक्रों ने पैकेज का ऐलान किया। इससे पहले फ्रांस सरकार ने एयर फ्रांस को बचाने के लिए बड़ा पैकेज देने का ऐलान किया था,